की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। एनटीए अधिकारियों से पूछताछ भी संभव है। महाराष्ट्र एटीएस की भी जांच शुरू। हजारीबाग के स्कूल से पेपर लीक हुआ, ये सवाल भी अहम है। ईओयू की टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। जांच के दायरे में हजारीबाग का बैंक भी है, लीक माफिया से मिले। एडमिट कार्ड, नीट पीजी की आज होने वाली परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। ये नीट एंगल से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको अपडेट करें। 1563 ऐसे छात्र हैं जो आज परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था, इसकी वजह से इनके मार्क्स बहुत ज्यादा हो गए थे और ये सभी टॉपर काउंट हुए थे। एनटीए के डीजी हटाए जा चुके हैं, नए डीजी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन सब में से सबसे बड़ी खबर, आज सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और सीबीआई की एंट्री होने के साथ ही लोगों का भरोसा एक बार बढ़ चुका है कि राज्य स्तर पर अगर कोई दखल दी जा रही थी, रसूख का इस्तेमाल हो रहा था, सीबीआई की एंट्री के बाद अब किसी भी सूरत में संभव नहीं है। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार की ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है ये इस वक्त मैं बताने जा रही हूं आपको। जो रिपोर्ट ईओयू ने सौंपी है उसमें अभ्यर्थी, एग्जाम सेंटर, अभिभावकों के साथ गिरफ्तार किए गए 13 लोगों का कबूलनामा, ये सारी रिपोर्ट है और इसमें इन बातों का जिक्र है। रिपोर्ट में जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं, मोबाइल से मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत और फोन कॉल की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पकड़ी गई गाड़ी से मिले एडमिट कार्ड, सॉल्वर के पास से मिले अभ्यर्थियों के रोल नंबर की भी जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही छात्रों के सेंटर उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के नमूने की भी जानकारी दी गई है। अभी तक सबूतों में जो सबसे अहम है वो ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है और अब सीबीआई के पास ये सारे सबूत पहुंचेंगे और सीबीआई नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। नीट मामले में बिहार की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। मामले में पैसे से जुड़े लेन देन के सबूत भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जलाए गए नीट यूजी प्रश्न पत्र और बुकलेट को नंबर के साथ रखा गया है। साथ ही छात्रों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक का जिक्र, पेपर लीक माफिया ने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया था उसका भी जिक्र रिपोर्ट में है। ईओयू की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को उनके पद से हटा दिया है। सुबोध सिंह की जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का डीजी नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी किया गया। पूर्व इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी 2 महीने में केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल है। पेपर लीक मामले में सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला किया गया है। सीबीआई बहुत जल्द नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर केस दर्ज कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा है, कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। सीबीआई इसमें शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नया मामला दर्ज कर सकती है और राज्यों से मदद ले सकती है या फिर राज्यों के केस को भी टेक ओवर कर सकती है। बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं जिनका कबूलनामा भी सामने आ चुका है। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से केस फाइल मांग सकती है, सारे डिटेल, सारे रिपोर्ट्स और कबूलनामा मांग सकती है। सीबीआई नीट पेपर लीक को ये सोर्स का पता लगाने वाली है। नीट मामले में इस वक्त देश में जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। दरअसल 5 मई 2024 को एनटीए नीट परीक्षा का आयोजन करता है जिसमें 24 लाख छात्र शामिल होते हैं। इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को जारी होता है जिसमें 67 छात्रों को 720 में से पूरे 720 अंक मिले थे। इसके बाद पेपर लीक का मुद्दा उछला। 9 जून 2024 को एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस मार्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने 1563 छात्रों के री एग्जाम कराने की बात कही। 16 जून 2024 को शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर के आयोजन में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। 18 जून 2024 को बिहार में पेपर लीक पर मंत्री का कनेक्शन सामने आया। 18 जून 2024 को सुनवाई के दौरान लापरवाही की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई। फिलहाल मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पेपर लीक कांड में एक और पर्दाफाश हो चुका है, वो इस वक्त मैं आपको बताऊंगी। बिहार ईओयू की जांच में बात सामने आई है हजारीबाग के। उसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ था।
6136488 नंबर की बुकलेट जली हुई आरोपी अमित आनंद के घर पर मिली थी। वो ओसिस स्कूल को आवंटित किया गया था। जांच में सामने आया बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ किया गया था। ईओयू की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है। अगर गिरफ्तार आरोपी जांच में सहयोग नहीं करते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं, बिहार ईओयू उनकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। उस टीम का ऐसा भी कहना है। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का या लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में कई चेहरे के नाम आ सकते हैं और ऐसे पर जो है आगे उन पर भी जो है वो कार्रवाई देखी जा सकती है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह हटाए जा चुके हैं। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी बनाया गया है, यानी नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एनटीए ने ही नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक और अपडेट आपको इस वक्त बता देते हैं। पेपर लीक पर जारी विवाद के बीच एनटीए आज 1563 छात्रों का री एग्जाम करवाने वाली है। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर आज इस परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। एनटीए आज फिर नीट यूजी की परीक्षा कराने जा रहा है। ये परीक्षा 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा का उन 6 शहरों में आयोजन किया जाएगा जहां समय के नुकसान के चलते छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए ने जिन बच्चों को ग्रेस मार्क बांटे थे वो इन 6 परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के बालोद, दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत, मेघालय, चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ के सेंटर पर परीक्षा दे सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 पर आयोजित की जाएगी। सभी 1563 छात्र ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा सेंटर जाएंगे। परीक्षा के वक्त एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहेंगे। नीट 2024 री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। अगर कोई छात्र इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता तो उसका रिजल्ट ग्रेस अंक के बिना गिना जाएगा। फिलहाल मामले को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में ईओयू ने माफियाओं के पास से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। ये वो सबूत हैं जिससे जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी, सीबीआई की एंट्री जब हो चुकी है तो इससे बहुत मदद मिलने जा रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, उससे भी बहुत कुछ साफ होने जा रहा है। 5 एटीएम कार्ड, ट्रांजैक्शन स्लिप, पासबुक, करोड़ों के लेन देन के सबूत मिल चुके हैं। बड़ी खबर, नीट यूजी पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रोसेस का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। लिहाजा एहतियात के तौर पर आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि इस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एनबीई ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इस एडवाइजरी में पेपर लीक होने के संदेह की ओर इशारा किया गया है और इसीलिए आनन-फानन में यह कदम उठाया गया।
और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के चलते आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि फिलहाल परीक्षा को टाला जा रहा है, एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वी आर देयर विद यू, वी आर लुकिंग एट द सिचुएशन वेरी क्लोजली एंड वी विल मेक श्योर दैट नो रॉन्ग स्टेप इज टेकन, द न्यू डेट ऑफ एग्जामिनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। परीक्षा के स्थगित होने की अधिसूचना जारी होते ही सियासत ने और जोर पकड़ लिया। कांग्रेस ने परीक्षा स्थगित होने पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अब सरकार के इस फैसले पर छात्रों में नाराजगी है, क्योंकि इसके पहले भी कई परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। इस सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी और अब तक उसकी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से सख्त नाराजगी जाहिर की जा रही है। छात्रों का कहना है एक रात पहले परीक्षा स्थगित कर दी गई, कई बच्चे अपने शहरों से परीक्षा केंद्र के लिए ट्रेन और बस पकड़कर निकल चुके होंगे। ऐसे में एक दम से ये फैसला लेना छात्रों के साथ खिलवाड़ है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ ही है। पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। ये हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है। फोडा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हमारी मांग है कि ये जो नीट पीजी पोस्टपोन हुआ है, इसका जल्द से जल्द दोबारा से डेट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है।